मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू पूजन के बाद अचानक घाट पर ही बैठकर मीटिंग शुरू कर दी। और जब उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल देखा तो वो बिफर पड़े। उनके तेवर देखकर अफसर सहम गए। योगी का गुस्सा यहाँ देखने लाया था। भारी धूप में योगी सीधा बाहर की तरफ आए और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। पर्यटन सचिव समेत सिंचाई व राज्य के निर्माण निगम के अभियंता नक्शा ड्राइंग आदि लेकर पहुंच गए। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक फाइलें देखने के बाद मुख्यमंत्री उठे, पर गाड़ी में बैठने के बजाय सीधा राम की पैड़ी की ओर चल पड़े और साथ चल रहे अफसरों से सवाल पूछते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि काम कब शुरू होगा, पाइप नहीं बदले तो पैड़ी में पानी कैसे अवरिल होगा। साथ ही उन्होंने गंदगी देखकर गुस्सा भी दिखाया। उन्होंने कहा कि इतनी गंदगी कहां से है, सफाई कराइए, जगह जगह डस्टबिन लगाइए। इसी बीच किसी अफसर ने बताया कि पैड़ी सिंचाई विभाग के अधीन है। ये सुनते ही सीएम योगी तेज आवाज में फटकार लगाते हुए बोले कि कहां है सिंचाई अभियंता, बुलाओ उन्हें। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या के विकास को लेकर हमेशा से संजीदा रहे हैं और वे जब भी घाट पर गए हैं तो उन्होंने पूरा हाल देखा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने काम पूरा करने के साथ हर पुराने सामान को बदलकर नया लगाने की सख्त हिदायत भी दी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से सख्त एक्शन जरूर देखने को मिला। इस खबर को आप शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और हिटवाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।